अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, हमारे इस लेक्चर में हम फिज़िकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नाम है केमिकल काइनेटिक्स। HSC बोर्ड में भी ये टॉपिक आपने पढ़ा है और नीट के लिए भी आप ये पढ़ोगे। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। मैं कुछ बातें आपको गाइडलाइन के तौर पर बताऊँगा। ऑनलाइन टीचिंग में इस तरह से है कि जो वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं, उन वीडियोस आप पढ़ते वक्त देखते वक्त याददाश्त के तौर पर एक नोटबुक लेकर बैठें। नोटबुक के साथ में आपके पास पेन होना चाहिए, है ना। हो सका तो टेक्स्ट बुक रहनी चाहिए या कोई बुक रहनी चाहिए, फॉर्मूला वगैरह आप उसमें रेफ़र कर सकें। नोट्स आपको रनिंग नोट्स बनाने आने चाहिए, है ना। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो वक्त पड़ा तो आपको वो वीडियो पॉज करने आना चाहिए, वीडियो रिवाइंड करने आना चाहिए। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ठीक। तो हम रियल टाइम में भी मंडे ट्यूसडे इन दो दिन बात करेंगे। सुबह एक घंटे का वक्त आपको दिया है और प्री रिकॉर्डेड वीडियो हम इस तरह से आपको रेगुलरली भेजेंगे। केमिकल काइनेटिक्स, the branch of physical chemistry which deals with the rate of chemical reactions and their mechanism is called chemical kinetics. यहाँ दो नाम खास तौर से आए हैं, rate of reaction की study और mechanism of reaction. तो mechanism of reaction क्या है ये हम देखने वाले हैं। rate of reaction के लिए और भी words हैं, जैसे velocity of reaction और speed of reaction। कई तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं, वेरी वेरी स्लो रिएक्शंस और वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन की मिसाल आपको नज़र आ रही है रस्टिंग ऑफ आयरन, रिएक्शन वहाँ लिखी है, लोहे को जो जंग चढ़ता है वो रिएक्शन है। दूसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन की मिसाल है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया है मैथमेटिकली, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू X2 माइनस X1 अपॉन T2 माइनस T1। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो किस्म के रेट ऑफ रिएक्शन बताए गए हैं, एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंट कहते हैं लम्हे को या वक्त को। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो के नज़दीक हो, ज़ीरो के करीब तर हो, है ना। तो हम ऐसे बोले हैं यहाँ पर कि इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू एवरेज रेट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। यहाँ पर एक रिएक्शन आई है ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी, है ना, गिव्स सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। तो देखिए गौर से, दो रिएक्टेंट्स और दो प्रोडक्ट्स, इस तरह से चार केमिकल स्पेशीज यहाँ दी हैं। नीचे मैथमेटिकली क्या लिखा है देखिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखा है ए और बी स्पेशीज का और रेट ऑफ अपियरेंस लिखा है सी और डी स्पेशीज का। यहाँ देखिए, यहाँ चारों को इक्वेट कैसे किया है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, यहाँ प्रोकल लिया है, जैसे 1/a, निगेटिव 1/b, 1/c, 1/d। ये नेगेटिव साइन क्यों लगाई है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव एक्सप्रेस करें हर बार, इसलिए। नीचे वाली लाइन में यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस किया है, लिखा है, तो उसको पढ़ेंगे कैसे, मोल पर लीटर पर सेकंड या फिर मोलार पर सेकंड। तो मोलार पर सेकंड इसका कॉमन यूनिट है। गैसियस रिएक्शन का रेट किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, उसे एटमॉस्फेयर पर टाइम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अब हमें वो फैक्टर्स या अवामिल देखना है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं। इन फैक्टर्स में अहम फैक्टर्स ये हैं, एक है रिएक्टेंट किस नेचर का है, वो उसकी फिज़िकल स्टेट क्या है ना, उसके पार्टिकल्स कैसे हैं।
रिएक्टेंट्स का केमिकल नेचर क्या है इस पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। रिएक्शन का टाइप क्या है, जैसे यहाँ पर दिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं जिनमें आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो तेज़ चलती हैं, जबकि ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो चलती हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शन क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इसलिए स्लो चलती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक में हैं वो स्लो चलती हैं। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन किस टाइप की है और रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं उस पर डिपेंड है। सेकंड फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन पर अपना असर डालता है वो है टेम्परेचर। बहुत ही अहम चीज़ है टेम्परेचर। आमतौर पर हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए रिएक्शन की रफ्तार दुगना हो जाती है, 2 टाइम्स। अब आप जहन लगाइए, अगर 40 डिग्री इजाफा हुआ तो रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। रफ्तार में 10 डिग्री गिरावट अगर हुई तो रिएक्शन रेट आधा हो जाएगा। 20 डिग्री गिरावट हुई तो आधे का आधा रिएक्शन रेट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन घटेगा रिएक्शन रेट घटता जाएगा। जो जो रिएक्शन आगे बढ़ती है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता जाता है। कैटलिस्ट की मौजूदगी, ये भी बड़ी अहम बात है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट मौजूद हो तो रिएक्शन रेट बढ़ता है, और कुछ निगेटिव कैटलिस्ट हैं उनकी वजह से रिएक्शन रेट घटता है। इफ़ेक्ट ऑफ सनलाइट बड़ी अहम चीज़ है। आपने सुना होगा दवाइयों को डार्क और कूल प्लेस में ही रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि वो सनलाइट से डिकम्पोज होंगी, ख़राब। ऐसी रिएक्शंस फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं जो सनलाइट की मौजूदगी में होती हैं, होंगी इसलिए। तो सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन रेट बढ़ता है। एलेवेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन, उसी से मिलती जुलती चीज़ इस साल आप पढ़ेंगे रेट लॉ। रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन, इनका ताल्लुक है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन सेम रहेंगे। किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो राइट साइड को के नज़र आ रहा है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और वो कहलाता है रेट कांस्टेंट। रिएक्शन टू रिएक्शन के का यूनिट तब्दील होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के का यूनिट अलग है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के का यूनिट अलग है। के लिए एक और नाम है रेट कांस्टेंट के अलावा, इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। रेट लॉ में कंसंट्रेशन के जो पावर्स हैं उनको ऑर्डर कहते हैं, इंडिविजुअल ऑर्डर और ओवरऑल ऑर्डर। इस तरह से ऑर्डर 2 टाइप की होती है। यहाँ इस टेबल में कुछ मशहूर रिएक्शंस की ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी कंपेयर की है। याद रहे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक्सपेरिमेंटली मालूम की जा सकती है, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर मालूम नहीं की जा सकती, जबकि मॉलिक्यूलरिटी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर मालूम की जा सकती है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जिस स्लाइड पर डिस्कशन रोक दी थी वो थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। हमने कोई 3 न्यूमेरिकल आपके सामने रखे थे और आपसे कहा था कि उनके आंसर्स आपको अटेम्प्ट करना है। पहला प्रॉब्लम, ये दूसरा प्रॉब्लम और ये तीसरा प्रॉब्लम है ना। जिन लोगों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है वो अब अटेम्प्ट करें इसे, है ना। स्क्रीन के इस हिस्से को रोक कर पॉज करके इसको अटेम्प्ट करें। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है पहले वो लोग आंसर देखें। पहले क्वेश्चन में जो चीज गिवन है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो सबसे पहले यहां पर फॉर्मिक एसिड का डिकम्पोजिशन लिख के बताया है। फॉर्मिक एसिड डिकम्पोज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बना रहा है। इसका जो रेट कांस्टेंट दिया है वो 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10^-3 पर सेकंड दिया है। ये गिवन का हिस्सा है। तो हमने सपोज किया है कि फॉर्मिक एसिड का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100% था। अब चूंकि कहा गया है 3/4 रिएक्शन हो चुकी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 75% रिएक्शन हो गई है ना।
75% रिएक्शन खत्म हो चुकी है, अब खाली 25% रिएक्शन बची है। तो यही हाल फॉर्मिक एसिड का भी रहेगा। फॉर्मिक एसिड का परसेंटेज है ना, जो इनिशियल परसेंटेज था उसमें से 75 माइनस करते हैं तो बचता है 25। ये परसेंटेज में इसलिए लिया है कि अगर परसेंटेज में नहीं लेते, फ्रैक्शंस में लेते, जैसे ये है फ्रैक्शन में, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती, तो इसको हमने परसेंट में लिया है। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहां दिया है, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड अपॉन है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एट गिवन टाइम। इसके अंदर वैल्यूज रख दी हैं, यहां से उठाकर ये वैल्यूज रखी हैं, के की वैल्यू यहां आई है, इनिशियल परसेंटेज या कॉन्सेंट्रेशन यहां आया है फॉर्मिक एसिड का, फाइनल सब्ट्रैक्शन से मालूम होगा, तो यही सब्ट्रैक्शन डिनोमिनेटर में रखा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, कर्सर जहां दिख रहा है उसको, तो ये हो जाएगा लॉग 4। आपको 4 डिजिट लॉग ही प्रैक्टिस है ना, 4 डिजिट लॉग आप लेते हैं, इसलिए इसको मैंने लिख लिया है 4.0000। अब लॉग टेबल सामने रखें और उसके अंदर इसकी वैल्यू देखकर यहां लिखें, तो मैं बता रहा हूं सही है कि देखिए ये 4 जो है 4 एक डिजिट का ही बना है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 0 है ना, जबकि 40 का लॉग आप 0 में देखते हैं तो वो मिलता है 6021 है ना। तो याद रखो मेंटिसा कैसे देखें, ये मेंटिसा 40 का लॉगरिदम आपको लॉग टेबल के अंदर 0 और 0 में देखना है, तो वो हो जाएगा 0.6021। इतने हिस्से को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और इतने हिस्से को बोलते हैं मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं देखकर इसको, लेकिन मेंटिसा आपको याद नहीं रहते, वो बुक में से लिखना पड़ता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 693 दिया है, उसमें भी सेकंड जिक्र हुआ है और आंसर जो आया है उसमें भी सेकंड। अगर ये अलग अलग रहते हैं, मिनट और सेकंड रहते तो प्रॉब्लम आती। ये पहले का आंसर मैंने बता दिया यहाँ पर, 3/4 पार्ट रिएक्शन का पूरा होने के लिए 577 सेकंड्स इतना टाइम लगता है। तो दूसरे न्यूमेरिकल पर गौर करेंगे फिर। दूसरा जो न्यूमेरिकल था याद कीजिए उसका गिवन क्या है। दूसरे न्यूमेरिकल में गिवन है रेट कॉन्स्टेंट दिया है 0.0051 पर मिनट, मैं जानबूझकर कह रहा हूं यहां पर मिनट में दिया है। A0 कॉन्सेंट्रेशन जो कि शुरू का कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.10 मोलार है। AT कॉन्सेंट्रेशन पूछा है कि कितना रहेगा, टाइम दिया है 3 आवर्स। तो देखो यहां पर ये आवर्स में दिया है और ये मिनट्स में दिया है, तो आप आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 180 मिनट्स। अब ठीक है ये मिनट्स और ये पर मिनट है ना, तो ये एक दूसरे से मेल खाते हैं, मुताबिक हैं एक दूसरे के। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फिर एक बार यहां उसकी मदद ली है, तो ठीक लिखा है कि देखो उसको टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन AT। वैल्यू रख दी है, टी की वैल्यू यहां से उठाकर यहां रख दी है 180 मिनट्स, बाकी 0 पॉइंट देखिए यहां पर 2.303 अपॉन 0.0051, उसके बाद लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया था 0.10 मोलार वो रख दिया है और यहां 80। इस क्वांटिटी को यहीं रहने दो, बाकी जो हिस्सा है इसको उल्टी तरफ ले जाओ तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये न्यू बन जाएगा 0.39886। अब हमारी राइट हैंड साइड ये है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वेशन ऐसा दिखने लगा। इस इक्वेशन के दोनों जानिब हम एंटी लॉग लेते हैं, तो याद रखो एंटी लॉग ऑफ लॉग, तो ये को या कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बचेगा 0.10 है ना अपॉन 80। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, देखो राइट हैंड साइड में आपको वाकई एंटी लॉग देखना है, तो ये खास चीज है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता है एंटी लॉग इस चीज का देखना है आपको। तो याद रखो ये कैरेक्टरिस्टिक और ये वाला मेंटिसा। तो मैं कह रहा हूं एंटी लॉग का जो टेबल बना हुआ है उस टेबल में 0.39 का एंटी लॉग आप 86 में ढूंढना है।
तो याद रखो 0.39 का एंटीलॉग 86 में देखना है, तब तक इस जीरो वैल्यू को, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू को नजरअंदाज करना है, निगलेक्ट करना है। तो आपको ये मिलता है फोर डिजिट में 2503, कितना मिला वो 2503। अब काम है इस कैरेक्टरिस्टिक का, इसके अंदर वन मिलाओ, जीरो और वन वन हो गया, तो वन प्लेस के बाद राइट साइड से वन, सॉरी लेफ्ट साइड से वन प्लेस के बाद आपको पॉइंट लगाना है ना। तो ये आंसर बन गया 2.503, राइट हैंड साइड का आंसर। अब क्या है देखो, इक्वेशन ऐसा दिखने लगा 0.10 अपॉन 80 इक्वल टू 2.503। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी 0.03995। तो आंसर क्या हो गया फिर, 80 कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 0.03995 मोलार। अगर आपका एग्जैक्ट ये वैल्यू आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं आती है, इसके नजदीक वैल्यू आती है जैसे 0.04 मोलार, तब भी सही है आंसर। एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ था, वो न्यूमेरिकल थोड़ा सा देख लें, उसका गिवन क्या है, शुरू के दो प्रॉब्लम के उलट ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी है। शुरू के जो दो प्रॉब्लम हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के थे, ये जो तीसरा प्रॉब्लम है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसका गिवन यहां लिखते वक्त ऑर्डर लिख दी है जीरो, रेट कांस्टेंट लिखा है 0.0030 मोलार पर सेकंड, है ना, वो जो मोल पर लीटर पर सेकंड है उसी का मतलब है मोलार पर सेकंड। यहाँ जगह कम थी तो मैंने यहाँ लिख दिया है मोलार पर सेकंड। A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ लिख दिया है। A T फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ लिख दिया है। तो याद रहे ये जो डेसिमल पॉइंट्स हैं बराबर हैंडल करने हैं, डेसिमल प्लेसेस। वी नो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो थोड़ा सा, के इक्वल टू A0 माइनस A T अपॉन T, इसको रीअरेंज करना है, ये टी यहां गया, ये के यहां आया, तो इसकी वैल्यूज रख दीजिए, ये ऐसा दिखने लगेगा जैसे यहां लिखा है 0.100 माइनस 0.075 डिवाइडेड बाय 0.0030। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आंसर सेकंड्स में आएगा। तो आंसर ऐसे हो गया टी इक्वल टू 8.333 सेकंड्स, है ना, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। इससे पहले जैसा बोले थे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखकर हम हाफ लाइफ की पहचान कर सकते हैं। तो यहां थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ये जो दिया है हाफ लाइफ, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की दी है। स्पेशल केस के तौर पर हमने इसमें ये वैल्यूज रखी हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं देखिए, यहां पर ये इतना जो दिया है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। इसके अंदर हम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज और टाइम की वैल्यूज एक स्पेशल कंडीशन के तौर पे यहाँ ले रहे हैं। क्या है स्पेशल कंडीशन? वो स्पेशल कंडीशन ऐसी है कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के आधा हो गया और टाइम हाफ लाइफ के बराबर हो गया। तो ये वैल्यूज इसमें रख दीजिए, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा, टी हाफ इक्वल टू R0 concentration upon 2K, है ना। तो इसके बाद ऑफ कोर्स हम ग्राफ वगैरह का ख्याल करने वाले हैं, है ना, तो हम अगली किसी स्लाइड में ग्राफ का ख्याल करने वाले हैं, तो पता चलेगा वहां कि अगर हम टी हाफ का ग्राफ प्लॉट करें, है ना, तो उसका डिपेंडेंस दोनों से रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन से भी और रेट कॉन्स्टेंट से, है ना। तो आगे देखते हैं हम इसको, सबसे आखिरी वाली लाइन देखिए, इट इज क्लियर दैट टी हाफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कॉन्स्टेंट। ये कैसे जज करते हैं देख लीजिए, टी हाफ यहां लिखा है, उसका डिपेंडेंस इस क्वांटिटी के साथ है, ऑफकोर्स इस फ्रैक्शन में या इस क्वांटिटी में न्यूमरेटर में लिखा है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो इसलिए डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों का, टी हाफ का और कॉन्सेंट्रेशन का, जबकि डिनोमिनेटर में लिखा है के, तो के साथ टी हाफ का ताल्लुक इनवर्स रहेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस यहां दिए हैं। तो देखो कैसे दिया है, यहां पर शुरू में इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा है फर्स्ट ऑर्डर का, उसके नीचे स्पेशल केस, स्पेशल कंडीशन आर इक्वल टू आर जीरो बाय टू और टी इक्वल टू टी हाफ,
है ना, या कॉमा चाहिए बीच में। तो ये वैल्यूज रखने के बाद इक्वेशन ऐसा दिखेगा। इतनी चीज को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये छोटी होकर, रिड्यूस होकर दो बन जाएगी, यानी लॉग टू दिखने लगेगा। ये हर कोई जानता है लॉग टू कितना है। तो देखो टू का कैरेक्टरिस्टिक हम लिख लेंगे यहाँ 0 पॉइंट। इसका मेंटिसा देखते वक्त 20 का 0 और 0 में देखना है, तो आपको लॉग देखना है 20 का 0 में और 0 में। तो ये हो जाएगा 3010। तो है ना, यहाँ लिखना चाहिए 3010। तो ये हो गया 0.3010, है ना। टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये चीज बनी, है ना। तो यहाँ इसका कंक्लूजन लिखा है, Thus, for first order reaction, half-life period is constant. And that is, it is independent of initial concentration of reacting species. तो है ना, पिछली स्लाइड में और इस स्लाइड में ये फर्क है। यहाँ टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर डिपेंड नहीं है। तो आइंदा जब ग्राफ आएगा तब ये चीज क्लियर होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ है ना कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। यहाँ कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए हैं, है ना। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम आइंदा सॉल्व करके देखेंगे। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है देखते हैं। तो उर्दू में इसको कहेंगे काजिब यकदर्जी तामल। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो का मतलब होता है झूठा। तो ये झूठी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखने में ऐसा लगता है कि रिएक्शन की ऑर्डर एक से बड़ी है ना, लेकिन हाँ एक्चुअल में ऐसा लगता है कि रिएक्शन की ऑर्डर एक से बड़ी है, लेकिन बजाहिर ऐसे लगता है कि ऑर्डर एक है। यहाँ उसको दिया है, देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस। तो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की शक्ल में ऐसे लिखा है, तो हम इसको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा है, इसको एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट्स ने मालूम किया है, आर इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो इसका पावर 1 और इसका भी पावर 1, 1 पावर और ये 1 पावर, 1 प्लस 1 2। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है असल में ओरिजिनली, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस ऐसी हैं कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन खूब ज्यादा लिया है, वाटर चूंकि एक्सेस में लिया है, वाटर को चूंकि ज्यादा मिकदार में लिया है, एक्सेस में लिया है, तो ऐसा लगने लगता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स सेम, कॉन्स्टेंट रहता है। यहां देखो ये चीज पहले ही कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट के कहते हैं इसको। ये चीज कॉन्स्टेंट हो गई, तो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉन्स्टेंट, एक नया कॉन्स्टेंट आएगा, उसको हम कहेंगे के डैश। तो अब रेट लॉ ऐसा दिखने लगा, आर इक्वल टू के डैश कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर। अकेले इस रेट लॉ को देखो तो ऐसा ना लगने लगेगा आपको कि यहां पावर 1 है, इस वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमने ये नतीजा निकाला कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिड इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आखिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करते हैं, प्रैक्टिकल से मालूम करते हैं, ऑफकोर्स एक्सपेरिमेंट से मालूम करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली क्या क्या मेथड्स हैं इसके, यहाँ दिया है। एक है इंटीग्रेटेड मेथड, तो देखो यहाँ पर। दूसरा है ग्राफिकल मेथड, चार मेथड्स के नाम आएंगे यहाँ पर। तीसरा है इनिशियल रेट मेथड और चौथा है हाफ लाइफ मेथड। तो थोड़ा सा मैथ्स का नॉलेज रहना चाहिए यहाँ पर। पहली मेथड जो बोला है इंटीग्रेटेड मेथड, वो ट्रायल एरर इस तरह से है, जिस तरह से आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ मालूम है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ मालूम है, वैसे सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का भी मालूम किया जा सकता है। तो एक्सपेरिमेंट के जो रीडिंग्स आ रही हैं, वो रीडिंग्स बारी बारी से इनमें से हर एक के अंदर रख के देखते हैं, है ना। अगर के की वैल्यू है ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए हर दम कांस्टेंट आ रही हो, तो ऑर्डर जीरो हो गई, है ना। जबकि अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए के की वैल्यू रीडिंग्स रखने के बाद हर रीडिंग के लिए सेम आ रही है, हर सेट ऑफ रीडिंग के लिए सेम आ रही है,
तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ग्राफिकल मेथड, तो यहाँ पर प्लॉट बना जाता है, ग्राफ बनाया जाता है, और वो ग्राफ आइंदा स्लाइड्स में आने वाले हैं वो ग्राफ, तो वो ग्राफ देखें तो आपको आइडिया आएगा। तो स्लोप पर गौर करते हैं और पता करते हैं कि वो कौन सी ऑर्डर रहेगी। इनिशियल रेट मेथड एक है। इनिशियल रेट मेथड में क्या करते हैं, देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज वेरीड, है ना, इसका उल्टा बयान क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग रिएक्टेंट्स इज केप्ट कॉन्स्टेंट। तो याद रखो, अगर दो रिएक्टेंट रहे तो उनमें से एक का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रखना हो तो उसको एक्सेस में लेते हैं, ज्यादा लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, सिर्फ एक रिएक्टेंट पर कॉन्सेंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। हाफ लाइफ मेथड भी है ना। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये एक टेबल दिया है, इस टेबल पर नजर डालिए। ये टेबल के अंदर कोई छह कॉलम्स हैं, रिएक्शन ऑर्डर, डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, कैरेक्टरिस्टिक काइनेटिक प्लॉट, स्लोप ऑफ काइनेटिक्स प्लॉट, और यहाँ क्या दिया है, देखिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो इससे कुछ अंदाजे कायम होते हैं और हम पहचान सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो याद रखो, पहला कॉलम इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ वाला, तीसरा कॉलम इंपॉर्टेंट है, प्लॉट यानी ग्राफ कैसा रहेगा वो एक इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअल ग्राफ यहाँ अभी नहीं ड्रॉ किए हैं, अगली स्लाइड में वो आएगा, वो देखते हैं। ये बड़ी अच्छी मेथड है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेफ्ट साइड वाला ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दरमियान वाला ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और राइट साइड वाला ग्राफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेचर अलग अलग है, तो याद रखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो लाइन ड्रॉ हुई है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, वो एक्स एक्सिस को पैरेलल आई। तो नेचर कैसा हो गया ग्राफ का, The graph is or the line is parallel to x-axis, है ना? तो यहाँ देखो, ये रेट क्वांटिटी है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ऐसा अगर हो तो वो रहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और इसका रेट लॉ R इक्वल टू K, इतना सिंपल रहेगा, R इक्वल टू K, इतना सिंपल रहेगा रेट लॉ। चाहे कितना ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़े घटे, रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, रिएक्शन सेम रफ्तार से चल रही है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, उसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात यहां करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखो, ग्राफ प्लॉट किया है, फिर एक बार कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ने लगा, ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ठीक है? ऐसी स्ट्रेट लाइन जो जीरो से पास होती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो जीरो से पास होती है, उसका इक्वेशन कैसा रहता है, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx। तो याद रखो, यहां पर ये y की तरह काम कर रहा है, ये x की तरह इस प्लॉट में काम कर रहा है, और m कौन है, तो ये स्लोप रहेगा, इस लाइन का स्लोप m रहेगा। राइट साइड वाला ग्राफ देखें, ये प्लॉट किया है कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर वर्सेस रेट, कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर वर्सेस रेट। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है ना, जो जीरो से पास हो रही, इसका रेट लॉ कैसा रहेगा, आर इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ए स्क्वायर, है ना? ये मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं, देखो ये कैसे प्लॉट किए हैं। यहां भी ग्राफ का नेचर अलग अलग है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए लेफ्ट टू राइट ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं। लेफ्ट वाला ग्राफ देखें, टी को प्लॉट किया है, टाइम को, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन घटा, है ना? तो ये उल्टी लाइन आई है, है ना? उल्टी लाइन क्यों कह रहे हैं इसको, निगेटिव स्लोप वाली लाइन है इसलिए। राइट साइड वाला देखें, ये टाइम वर्सेस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, ये सादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो ये भी
स्ट्रेट लाइन आई है, निगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन आई है। राइट साइड वाला ग्राफ देखें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये टाइम वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, टाइम वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, और ये जो लेंथ है इतनी लेंथ, ये लेंथ कहलाएगी वाई इंटरसेप्ट, है ना। तो याद रखो इस ग्राफ के लिए कौन सा इक्वेशन रहेगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। इन तीनों के लिए, बल्कि क्योंकि ये तीनों ग्राफ ऐसे हैं जो जीरो से पास नहीं होते हैं, इसलिए इनके लिए इक्वेशन रहेगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां वही वैल्यू है y, x, ये वेरिएबल्स हैं जो उस एक्सिस पर ड्रॉ किए, m यहां पर स्लोप है और c यहां पर y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट थोड़ा देख लें, यहां y इंटरसेप्ट ये हुआ, यहां पर y इंटरसेप्ट ये हुआ, और यहां पर इतनी जो लेंथ है ना ये, वो वैल्यू है y इंटरसेप्ट। थोड़ा देख लें इनिशियल रेट मेथड, ये इनिशियल रेट मेथड यहां पर डिस्कस की है। नीचे रेट लॉ दिख रहा है, R इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन A रेज टू M, कॉन्सेंट्रेशन B रेज टू N, है ना। अब आप चाह रहे हैं कि दो दो रिएक्टेंट पर डिपेंडेंस ना रहे, सिर्फ एक पर डिपेंडेंस रहे, ताकि आप उसको सिस्टमेटिक स्टडी कर सकें, तो B को एक्सेस में लीजिए। B जो स्पेशीज है, B जो केमिकल है, उसको एक्सेस में लीजिए, रेट लॉ सिंपल हो जाएगा फिर, ठीक है। दो कंडीशंस लीजिए कॉन्सेंट्रेशन की, ए का कॉन्सेंट्रेशन ए वन था और ए का कॉन्सेंट्रेशन ए टू था, ऐसी केस। तो इनके लिए रेट्स वे आर वन एंड आर टू, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दो एक्सप्रेशन पाएंगे, ऐसे दो एक्सप्रेशन हम पाएंगे, आर वन इज प्रोपोर्शनल टू ए वन रेस टू एम बी वन रेस टू एन, और दूसरा एक्सप्रेशन रहेगा R2 प्रोपोर्शनल टू, R2 इज प्रोपोर्शनल टू A2 रेज टू M इनटू B2 रेज टू N। उन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिवाइड हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। इतना बचेगा, इसमें से भी आपने कह दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल हो गए, इतना सिंपल इक्वेशन बचा। उस इक्वेशन के बेस राइट साइड के एक जैसे थे, इसलिए पावर हमने कॉमन ले ली और ऊपर लिखी। इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम उसने खुद सॉल्व करके दिया है बुक ने, तो देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, इस एग्जांपल को पढ़ लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स इज गिवन बिलो एज द फंक्शन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तीन कॉलम नजर आ रहे हैं, टेबल है वो, पहला हेडिंग है टेबल का कॉन्सेंट्रेशन ए, दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन बी, और तीसरा कॉलम है रेट, ठीक है। नीचे उनकी वैल्यूज दी हैं, तो हम बोलेंगे ये जो रो है ऐसी, ये रो रीडिंग का पहला सेट है, है ना, ये रीडिंग का दूसरा सेट है, और ये थर्ड सेट ऑफ रीडिंग है, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग। यहां पर जो सॉल्यूशन आया है उसने रीडिंग बोलने के बजाय एक्सपेरिमेंट बोला है, ठीक है। फॉर फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट्स, यानी ये वाला और ये वाला, उनके लिए है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज कॉन्स्टेंट, तो देख लो, अंडरलाइन कर लो, 0.01, और एक बार 0.01, एक जैसी वैल्यू आई है, तो ये कॉन्स्टेंट रखा गया है। तो देखो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स लीनियरली ऑन रिएक्टेंट ए, लीनियरली कैसे बोला है, कहने को ये सिंपल चीज है, लेकिन देखो यहां पर इसको जज करना सीख लेना है। बी का कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्स्टेंट है, इसलिए बी के ऊपर आर का कोई डिपेंडेंस नहीं। अब आर यानी रेट का डिपेंडेंस ए पर कैसा है, तो देख लो यहां पर ये डबल हुआ है, 0.01 का डबल है 0.02, तो ये डबल हुआ है। उसका असर रेट पर क्या हुआ, तो रेट भी यहां पर डबल हुआ है, 0.005 से बढ़कर 0.010 हुआ है। तो गौर से देखो यहां पर, when concentration of A is doubled, concentration, है ना, rate of reaction also doubled। तो देखो यहां wording कैसी है, doubled,
डबल्ड, इसलिए इसको बोला है लीनियर, है ना। तो ऑर्डर वन रहती है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ लिखा है देखो, नाउ टेकिंग एक्सपेरिमेंट्स फर्स्ट एंड थर्ड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो गोया आपने ऑर्डर मालूम कर ली है ना। ए में रिएक्शन की ऑर्डर इंडिविजुअली वन है, ठीक है। बी के लिहाज से क्या ऑर्डर है जज करना है, तो पहली एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स देखो और तीसरे एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स देखो। इनमें ए कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है 0.01 और फिर एक बार 0.01, है ना, पहली तीसरी कतार में। तो कीपिंग ए कॉन्स्टेंट, व्हाट हैपेंड टू बी, बी इज डबल्ड, 0.01 से बढ़कर 0.02 हुआ। एंड व्हाट हैपेंड टू द रेट, इट डिडंट चेंज, इट रिमेंड कॉन्स्टेंट। तो देखो यहां पर, व्हेन ए इज डबल्ड रेट ऑफ रिएक्शन रिमेंड सेम, व्हेन बी कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड रेट ऑफ रिएक्शन रिमेंड सेम, हम बोलते हैं वो इंडिपेंडेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन ए में देखो यहां पर लिखा है, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज वन। तो यहां पर आप इसको रोकिए और रेट लॉ लिखकर देखिए, यहां पर आप रेट लॉ लिखकर देखिए, तो थोड़ा सा आपको यह रेट लॉ लिखकर देखना है। हाफ लाइफ मेथड, यहां फिर एक बार ग्राफ्स आए हैं। तो देखो यहां पर, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए रेज टू एन माइनस वन। तो ये ए जीरो क्यों लिखा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए जीरो यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू एन माइनस वन। तो देखो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट टी हाफ के साथ, अगला देखो कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट टी हाफ के साथ, कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट टी हाफ के साथ। ये जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के अंदर अलग अलग ग्राफ का नेचर दिया है, बिल्कुल अलग अलग नेचर के ग्राफ हैं। देखो लेफ्ट साइड वाला जो ग्राफ है उसमें ऐसी लाइन है जो जीरो से पास हुई है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बढ़ा टी हाफ भी बढ़ा है। दरमियान वाला ग्राफ देखो, दरमियान वाले ग्राफ में ऐसा हुआ है कि इंडिपेंडेंट है टी हाफ, टी हाफ इंडिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेशन पर वो डिपेंड नहीं करता है। तीसरा देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ टी हाफ को प्लॉट किया है, तो वो भी स्ट्रेट लाइन आई है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जीरो से पास नहीं होती है, ये तो वाई इंटरसेप्ट बनाती है। यहां एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिया है, तो देख लें इसको। हाफ लाइफ ऑफ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, the half-life of particular chemical reaction at two different initial concentrations, 5 into 10 raised to minus 4 and 25 into 10 raised to minus 5 molar are 2 and 16 hours. Calculate the order of reaction. तो चार चीजें दी हैं, देखिए कौन सी चार चीजें दी हैं, देखिए initial concentration, है ना। अच्छा, दो हाफ लाइव्स दी हैं, एक है 2 hours और दूसरी है 16 hours। दो कॉन्सेंट्रेशन भी दिए हैं, एक है 5 × 10⁻⁴, दूसरा है 25 × 10⁻⁵ मोलार। तो सॉल्व किया है देखिए यहां पर, ठीक है। ये कहां से आया, पिछली स्लाइड में ग्राफ्स के ऊपर है ना ये इक्वेशन दिया था, बस इस इक्वेशन की मदद से हमने है ना ये अगला किया है, ये पाया है। दो बार अगर वैसे इक्वेशन लिखे हम, टी हाफ वन के लिए एक इक्वेशन, टी हाफ टू के लिए अलग इक्वेशन, दोनों का अगर रेशो लें तो ऐसा बनेगा ये,
है ना, देख लें से, हाफ लाइफ ऑफ सेकंड स्पेशीज हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट रीडिंग इक्वल टू ए जीरो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए जीरो कॉन्सेंट्रेशन सेकंड रेस टू एन माइनस वन। तो हमको तो ऑर्डर पता नहीं है, एन की वैल्यू नहीं मालूम, वो तो मालूम करनी है। अलबत्ता दो हाफ लाइफ मालूम है, ये दो कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एन मालूम करना है। वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर, इसको उसने टी देखो है ना, बड़ी जो वैल्यू है ना 16 आवर्स, उसको उसने टी टू माना है, मतलब टी हाफ सेकंड माना है, और छोटी जो वैल्यू है उसको टी हाफ फर्स्ट माना है। तो ये रख दिया यहां पर उसने, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज भी रख दी। सिंप्लीफाई करने के बाद ये ब्रैकेट टू हो जाता है ना। अब पावर क्या है उसका, एन माइनस वन, तो थोड़ा सा देख लें इसे, कैसे हुआ देखिए, राइट साइड सिंप्लीफाई हो गई टू रेस टू एन माइनस वन, जबकि लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई हो गई, टू वन जर टू, टू एट जर 16, एट बन गया ये। हर कोई जानता है एट का मतलब टू रेस टू थ्री, एट का मतलब ही है टू रेस टू थ्री। तो ये इतना सिंपल हो गया अब इक्वेशन, कि यहां हम इमेजिन करेंगे टू रेस टू थ्री और यहां हम देखेंगे टू रेस टू एन माइनस वन, दोनों का बेस एक जैसा है टू टू, तो पावर्स भी एक जैसे हो गए, इसलिए यहां लिखा है थ्री और एन माइनस वन दोनों इक्वल हुए, एन माइनस वन इक्वल टू थ्री। तो ऑर्डर हो गई फोर, ऑर्डर हो गई यहां पर फोर। तो इस तरह से ऑर्डर मालूम की है उसने। इंटीग्रेटेड मेथड से एक डिस्कशन यहां पर आई है, आखिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटीग्रेटेड मेथड से कैसे मालूम करते हैं, तो डिस्कशन आई है यहां। ये ट्रायल एरर इस तरह का तरीका है, वैल्यूज रखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर, के की वैल्यू एक जैसी आ रही है क्या देखते हैं, अगर एक जैसी नहीं आ रही है तो अगला इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन लेते हैं, उसके अंदर फिर वैल्यूज रखते हैं, के की वैल्यू इस बार सेम आ रही है क्या देखते हैं। ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल। देखें यहां पर हाइड्रोजन परोक्साइड डिकम्पोज हो रहा है और बना रहा है वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अक्सर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, है ना, और अक्सर याद रखो फोटोकेमिकल रिएक्शंस जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। और एक चीज याद रखें, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन ऑलवेज फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ये आपको याद रहे इसलिए बताया भी है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां वी जीरो और वी टी क्या है, वी जीरो और वी टी क्या है, तो देखो ये रिएक्शन हो रही है, इसका पता कैसे चलेगा हमको, ना हम वाटर को देख सकते हैं क्योंकि कलरलेस है वो, और ना ही हम ऑक्सीजन को देख सकते हैं वो भी कलरलेस है, तो कैसे समझ में आएगा कि रिएक्शन प्रोसीड हुई, रिएक्शन प्रोग्रेस हुई, आगे बढ़ी। तो हम इस रिएक्शन मिक्सचर को KMnO4 के साथ टाइट्रेट करेंगे, यानी उसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो KMnO4 की अगर ज्यादा क्वांटिटी लगी, KMnO4 की अगर ज्यादा क्वांटिटी दरकार रही तो ज्यादा रिएक्शन आगे बढ़ी, और KMnO4 की कम क्वांटिटी अगर लगी तो कम रिएक्शन हुई, ऐसा मतलब हुआ। तो यहां देखो V इज प्रोपोर्शनल टू A, कॉन्सेंट्रेशन है ये हाइड्रोजन परोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन। VT इज प्रोपोर्शनल टू A माइनस X, ठीक है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम T, कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम T। तो इसको रखा है न्यूमरेटर में और इसको रखा है डिनोमिनेटर में, आप लोग नोट कर लें, यहां V के जगह पर V जीरो है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ऐसे नजर आएगा, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log V जीरो अपॉन V T, ऐसे नजर आएगा। तो ये भी एक शक्ल है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिखने की, ये भी एक शक्ल है। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है क्योंकि एसिड मीडियम में हो रहा है, याद रखो
ये इशारा कर रहा है एसिड मीडियम में हो रहा है। ये ईस्टर है, इथिल एसिटेट, ठीक है। एक्सेस में लिया है वाटर, देखो यहां वी जीरो इज प्रोपोर्शनल टू एच सी एल, वी टी इज प्रोपोर्शनल टू एच सी एल प्लस एक्स, वी इंफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू एच सी एल प्लस ए, ऐसे दिया है। ये स्लाइड में मिस्टेक है, यहां पर एच सी एल नहीं आना चाहिए, एन ए ओ एच आना चाहिए, क्योंकि अल्कली जिक्र हुआ है ना यहाँ, वॉल्यूम ऑफ अल्कली, वॉल्यूम ऑफ अल्कली जिक्र हुआ है इसलिए। अच्छा देखो, प्रोडक्ट्स में से ये एसिड है, अगर ज्यादा एसिड तैयार हुआ तो ज्यादा रिएक्शन आगे बढ़ी। कैसे पता चलेगा रिएक्शन मिक्सचर में एसिड तैयार हुआ है क्या, उसको हम टाइट्रेट करेंगे NaOH के साथ तो पता चलेगा उससे। खैर आगे बढ़ते हैं, तो ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन की एक शक्ल है जो यहां दी है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन की यहां पर भी एक शक्ल दी है, ठीक। ये कभी कभी आएगा, हमेशा नहीं आएगा। थेरीज, ये दिलचस्प है, कोलिजन थेरी। आखिर रिएक्शन होती क्यों है इसका पता करने की कोशिश की है साइंटिस्ट ने, तो पता चला कि रिएक्शन गैस मीडियम में अच्छी होती है और रिएक्शन सॉल्यूशन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में भी अच्छी होती है, सॉलिड स्टेट में रिएक्शन आसानी से नहीं होती। तो आप जानते हैं कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूलर जो मोशन है, मूवमेंट्स हैं, वो उतनी वैरायटी की नहीं रहती जितनी गैस और लिक्विड में है। गैस और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा मूवमेंट करते हैं, हर किस्म की मूवमेंट करते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन। कोलिजन थ्योरी ये सपोज करती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं उनकी मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से, और उसके नतीजे में प्रोडक्ट बनता है। तो याद रखो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में अगर टकराते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं, फिर उनकी जगह पर नए बॉन्ड्स बनते हैं, यानी प्रोडक्ट तैयार होता है। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना जरूरी है। तो आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन हवा जो है गैसियस मिक्सचर है, इस गैसियस मिक्सचर में हमको लगता है कि हवा रुकी हुई है कमरे के अंदर, लेकिन नहीं, ये जो हवा के मॉलिक्यूल हैं, एयर मॉलिक्यूल हैं, दे आर स्पीडिंग विद द स्पीड ऑफ कार, वो इतनी रफ्तार से चल रहे हैं जितनी तेज रफ्तार कार चलती है, और उतनी रफ्तार से वो कोलाइड हो रहे हैं एक दूसरे से। जैसे ही वो कोलाइड हो रहे हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और ये तमाशा हमेशा हो रहा है ना, हर स्क्वायर इंच, हर क्यूबिक इंच में हो रहा है, हर सेकंड हो रहा है ना। ट्रिमेंडस नंबर कोलिजन का है, कोलिजन यानी टकराना, तो बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी फ्रीक्वेंसी से ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इनमें से बहुत सारे कोलिजन है ना प्रोडक्ट बना सकते होंगे, बना सकते हैं, है ना। कोलिजन थ्योरी ये सपोज करती है कि अगर कोलिजन हुआ रिएक्टेड स्पेशीज के मॉलिक्यूल का तभी प्रोडक्ट बनते हैं, सही, लेकिन तमाम कोलिजन्स फ्रूटफुल नहीं है, उनमें से कुछ ही फ्रूटफुल रहती हैं, सक्सेसफुल रहती हैं। तो यहां कोई तीन फैक्टर्स आए हैं, तो देख लीजिए फैक्टर में अंडरलाइन करके बता रहा हूं। एक फैक्टर जो अहम है वो है सफिशियंट एनर्जी, एनर्जेटिक कोलिजन होना चाहिए। अगर बिल्कुल स्लो कोलिजन हुआ तो मॉलिक्यूल्स की कोई टूट फूट नहीं होगी, कोई बॉन्ड नहीं टूटेंगे और नई स्पेशीज नहीं तैयार होगी, है ना। जबकि सफिशियंट एनर्जी के साथ अगर मॉलिक्यूल टकराए, कोलिजन हुआ, तो फिर प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। तो ये जो सफिशियंट एनर्जी है, ये जो एनर्जी का थ्रेशोल्ड है, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज्यादा रफ्तार से या काइनेटिक एनर्जी से एक दूसरे से टकराना चाहिए। अगला है प्रॉपर ओरिएंटेशन। दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए या तीन मॉलिक्यूल आपस में टकराए, सफिशियंट एनर्जी के साथ टकराए, तब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा अगर उनका ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन प्रॉपर ना हो। तो प्रॉपर डायरेक्शन से उन्होंने टकराना जरूरी है।
है ना। अगर डायरेक्शन सही नहीं रही, उनका ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर रहा, तो ये फ्रूटफुल कोलिजन नहीं रहेगा, अनसक्सेसफुल रहेगा ये, है ना। एनर्जी बैरियर, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर रहता है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में जो टकरा रहे हैं, उनकी टकराने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है अगर टेम्परेचर राइज किया आपने, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया, है ना। तो यहां देखो क्या लिखा है, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की बात की है, किसकी बात की है यहां पर, एक्टिवेशन एनर्जी। यहां ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आई है, ये भी कोशिश करती है रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का कि आखिर रिएक्शन क्यों होती है। तो यहां ये माना है कि ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स शो किए हैं, वाई एक्सिस पर एनर्जी शो की है, ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी। रिएक्टेंट स्पेशीज शुरू में थी, जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई तब रिएक्टेंट स्पेशीज थी, कौन कौन सी, ए प्लस बी सी। प्रोडक्ट स्पेशीज बन गई, कौन सी है प्रोडक्ट स्पेशीज, ए बी प्लस सी। रिएक्शन खूब आगे बढ़ी तब प्रोडक्ट बने। तो इन दोनों की एनर्जी कंपेयर कीजिए, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है। हर सिस्टम ये कोशिश करता है कि स्टेबल हालत अचीव करे, कम एनर्जी वाली हालत स्टेबल रहती है, इसलिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं। बीच में ये एक बैरियर है, रुकावट है, जो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में तब्दील होने से रोक रहा है, वो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उसका फॉर्मूला यहां दिया है ए बी सी। तो याद रखो इसमें ज्यादा बॉन्ड्स हैं, किससे ज्यादा बॉन्ड्स हैं, रिएक्टेंट से भी ज्यादा, प्रोडक्ट स्पेशीज से भी ज्यादा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा है कि इसके अंदर बॉन्ड्स ज्यादा है। अनस्टेबल स्पेशीज है ये स्टेबल नहीं है, है ना। जो चीज की एनर्जी ज्यादा हो वो अनस्टेबल रहती है। तो याद रखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो रहता है उसका स्पैन कम रहता है, लाइफ स्पैन उसका कम रहता है, है ना, कुछ पीको सेकंड, कुछ नैनो सेकंड बस। आगे बढ़ते हैं। यहां डेल्टा एच इक्वल टू ई ए माइनस ई ए डैश ऐसे दिया है, तो है ना। ऑफ कोर्स डेल्टा एच क्या है, यहां पर एनर्जी डिफरेंस है या एंथैल्पी डिफरेंस है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बड़ी मदद करती है हमको कैटलिस्ट की एक्शन समझने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी के मुतालिक कुछ चीजें याद रखनी है। एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव रहती है हमेशा, एक्टिवेशन एनर्जी लार्जर रहती है, बड़ी रहती है रिएक्टेंट की एनर्जी से भी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी से भी ज्यादा, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी अगर लार्ज रही तो रिएक्शन स्लो, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर घट गई, कम रही, तो रिएक्शन फास्ट। ये चीज याद रखना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहां अरहेनियस इक्वेशन की बात आती है, हम यहां देखने वाले हैं इसको। टेम्परेचर कोएफिशिएंट आया है, है ना, के अपॉन के ऐसा दिखता है वो, जैसे के टू अपॉन के वन ऐसा दिखता है वो। तो यहां उसको लिखकर बताया है। अरहेनियस इक्वेशन हम देख लेते हैं। अरहेनियस इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है, ए इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, के इक्वल टू ए इंटू ई ए ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहां देखो के रेट कांस्टेंट है, कैपिटल ए जो लिखा है वो अरहेनियस फैक्टर है, इसको और एक नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब जो बच गया राइट साइड का हिस्सा, ये पूरा इतना बड़ा हिस्सा, ये रहेगा एक्सपोनेंशियल टर्म या एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी। इस एक्सपोनेंशियल टर्म को देखिए, e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी लिखा है। t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में टेम्परेचर है, r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। तो K का डिपेंडेंस T के साथ है, इस इक्वेशन से पता चलता है। तो मैं बता रहा हूं T
टी अगर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो के भी बढ़ेगा, और अगर टी घटता है तो के घटेगा। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस हुआ के का टी के साथ। तो जिनको मैथ्स की थोड़ी भी आइडिया है वो लोग ये जान सकेंगे। ई क्या है, स्मॉल ई नहीं बताया मैंने, ई नेचुरल लॉग का बेस है, इसकी वैल्यू करीबन 2.13 कुछ रहती है। तो हमको उससे बहस नहीं है, ई नेचुरल लॉग का बेस है, ठीक है। ई ए से भी ताल्लुक है के का, ई ए अगर बढ़ता है तो के घट जाएगा, और ई ए अगर छोटा होता है तो के बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, तो अरहेनियस इक्वेशन हमको पता देता है ए का डिपेंडेंस किस तरह से है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। अगर हम लॉग लें दोनों साइड्स का तो ये इक्वेशन ऐसे नजर आएगा। ऑफ कोर्स ये जो लॉग लिया है टू द बेस ई लिया है, तो के हो जाएगा नेचुरल लॉग के, है ना। ये जो टर्म है इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए यहाँ प्लस साइन आई है दोनों के बीच में। ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसका नेचुरल लॉग लीजिए, ये बच जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना। और ए जो है वो ऐसे दिखने लगेगा नेचुरल लॉग ए। इनको अगर हम प्लॉट करके देखें तो स्ट्रेट लाइन आएगी, और वो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप रहेगा निगेटिव स्लोप रहेगा। तो यहां स्लोप दिया है, स्लोप इक्वल टू निगेटिव ई ए अपॉन 2.303 आर। इस ग्राफ से ये आइडिया क्लियर होगी, ये ग्राफ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम का ग्राफ है ना, लॉग के साथ है। तो देखो यहां पर इनवर्स स्लोप आया है या उल्टी लाइन आई है, इस लाइन का स्लोप यहां लिखा है निगेटिव ई ए अपॉन आर। अगर हम ये y एक्सिस पर जो क्वांटिटी दी है वो टू द बेस 10 लेते हैं तो यहां वो टर्म भी दिखती ई ए अपॉन 2.303 आर। चलो नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम ऐसे दो इक्वेशन लेंगे, पहला इक्वेशन टेम्परेचर T1 पर है और दूसरा इक्वेशन टेम्परेचर T2 पर है। तो याद रखो K1 और K2 ये जो आए हैं ये रेट कॉन्स्टेंट्स हैं। ये रेट कॉन्स्टेंट किन टेम्परेचर्स पर हैं? T1 और T2 टेम्परेचर्स पर हैं, है ना। तो इनको हम अरहेनियस इक्वेशन के लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमको ये मिलेगा। अगर हम इसको आसान करें तो ये आखिरी लाइन देख लीजिए, ये ऐसे दिखेगा log k2 अपॉन k1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर स्क्वायर ब्रैकेट t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। कोलिजन थ्योरी पूरी हो जाएगी अगर हम ये स्लाइड देख लें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो यहां पर आपको ब्लू रंग की एक लाइन नजर आ रही है और रेड रंग की एक लाइन नजर आ रही है, ये अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए है। ये दो लाइंस अलग अलग टेम्परेचर के लिए है। वहां लिखा है T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी वो जो रेड लाइन है वो ज्यादा टेम्परेचर वाली और वो जो ब्लू लाइन है वो कम टेम्परेचर वाली। ग्राफ देख लें, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ है, या यूं कह लो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ है। तो किसी भी पॉट के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर मॉलिक्यूल्स का जो पॉपुलेशन है उसके अंदर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे मानते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स एनर्जी के मामले में बड़े पुअर हैं, है ना, उनकी एनर्जी ही कम है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ही कम है। तो ये देखो यहां पर ये वो मॉलिक्यूल रहेंगे। एरिया अंडर कर्व देखिए, इस कर्व के नीचे का एरिया, इस कर्व के नीचे का एरिया ये देखिए, तो ये एरिया अंडर कर्व कहेंगे जिसको मैं यहां पर हाईलाइट करके बता रहा हूं। ये रहेगा पुअर मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी कम है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे रहेंगे उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, है ना। तो राइट साइड वाला हिस्सा देखिए, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स रहेंगे एरिया अंडर कर्व, अगर हम देखें इनकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे रहेंगे उनकी एनर्जी दरमियानी रहेगी, है ना। तो ये जैसे मिडिल क्लास मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एनर्जी दरमियानी है, ना तो बहुत कम है ना बहुत ज्यादा, इनका पॉपुलेशन ही ज्यादा है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी दरमियानी रहती है उनका पॉपुलेशन ज्यादा है औरों से, उनका नंबर ज्यादा है।
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इतने हिस्से में बड़ा फर्क आता है, यहां पर हमारे काम का हिस्सा यही है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो गई और रिएक्शन फास्ट चल गई है। तो इस स्लाइड पर आज की डिस्कशन हम रोक देते हैं। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। आपको पढ़ते रहना है घर के अंदर, है ना, और प्रैक्टिस करनी है। आज के वीडियो के अंदर जितने ग्राफ दिए हैं वो सारे ग्राफ गौर से देखने हैं, कोलिजन थ्योरी के पॉइंट्स पढ़ने हैं। कोलिजन थ्योरी के पॉइंट्स पढ़ने के बाद अरेनियस इक्वेशन को गौर से देखना है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।